ग्राम पंचायत पांगरा में निर्माण कार्यों में काफी अनियमितताएं तथा जीवित वृद्ध महिला को मृत बताए जाने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम और जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन देकर जांच की मांग की है। ग्राम के भोलाराम बघेल, रमेश चौहान, कमल भलावी सहित कई ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि 2020 से 2024 के बीच मनरेगा और अन्य योजना के तहत गहरीकरण, नाली निर्माण, सीसी रोड, सोखता गड्ढा, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास के तहत किए गए कार्यों में अनियमितताएं की गई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में यह भी बताया कि गांव की जीवित संपत्ति बाई को मृत बताया गया है। ग्रामीणों ने जांच की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। उधर इस संबंध में ग्राम पंचायत रोजगार सहायक रेखा जायसवाल ने बताया कि सभी आरोप निराधार है। संपत्ति बाई का नाम टेक्निकल त्रुटि के कारण ऐसा हो गया, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर वापस जोड़ दिया गया है। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। ये माता जी जीवित होने के बावजूद इनको मृत घोषित कर दिया गया है और शासन की जितनी भी योजनाएं मिल रही है उन योजनाओं से इनको वंचित कर दिया गया है। और हम लोग लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे पांगरा में ही निवास कर रहे हैं। मेरे परिवार में लगभग 15 परिवार है, लेकिन 50 वर्षों से अभी तक एक भी आवास योजना का लाभ एक भी परिवार को नहीं मिल पाया है। मेरे पिताजी, बड़े पापा, इनकी उम्र लगभग 75-80 के समथिंग में है, लेकिन किसी को आज एक भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इससे हम परेशान होकर ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कितने लोग आए करीब करीब आज पांगरा के? हम लोग कम से कम 50 से 60 लोग आए। सबकी इस टाइप की समस्या है? सभी की यही समस्या है। इसके अलावा पंचायत में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। कार्यों का विवरण आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई कार्य किए गए नहीं है यहाँ पे। ये आपने निर्माण कार्य लिखे, ये हुए कि नहीं हुए वहाँ पर? हुए, कुछ भी कार्य नहीं हुए। विकास नहीं हुआ है ना? हुआ है तो भी लगभग 100 में से 20% खर्च हुए हैं, 80% इनकी जेब में गए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चौहान है। और मैं के 50 साल उम्र हो गए और कुटी ने कहीं भी नहीं मिले और लेटरिन बाथरूम दिए ले 10 साल और पूरा पुराना सुसरा खात को है, टापरी टूटे ले, कभी शिकायत करेगा तो बता भी दू। दिवाली गिर गो और दो बार दीवार पे से मैं सुधारने में गिर गई थी। आप क्या समस्या लेकर, किस बात को लेके आए हैं, क्या मांग रहे हो आप, काहे के लिए आए थे आपके पास? कुटी के लिए आए हैं? अच्छा, कुटी की आवाज नहीं मिला आपको? आवाज नहीं मिला आपको? हाँ, मिल नहीं रही। और सात भाई है, सात भाई के छोरा उनके एक का नहीं लाभ है, बड़े बड़े में। हाँ, क्या नाम है आपका? केंसली भाई। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।